हेलो, क्या हो रहा है? ओहो, क्या इतनी जल्दी दोस्त को भूल गए? मैंने देखा नहीं, सॉरी यार। किसी गहरी सोच में घुम हो गए हो तुम। हाँ, इस डिजाइन में कुछ प्रॉब्लम है। सुनो डियर, अगर मैं कहूं कि प्रॉब्लम डिजाइन नहीं, कोई और है इस ऑफिस से बहुत दूर। मसला रियान है यार। रियान ने तुम्हारे दिमाग को कैप्चर कर लिया है, जल्दी तुम्हारा दिल भी उसके काबू में होगा। जफर, मैं पहले ही बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूं, मुझे और डिस्टर्ब मत करो। वो लड़की मेरी तवक्को से कहीं ज्यादा बुरी निकली। यार फरिश्ता है इंसानी रूप में, और तुम उसे शैतान दिखाना चाहते हो। वो किस लिए? ताकि तुम सही साबित हो सको और रियान के साथ बुरे बिहेवियर के नतीजे में उठने वाली जमीर की आवाज दबा सको, यह कहकर कि वो उसी सलूक की हकदार है। ठीक कहा ना मैंने? हाँ भाई, मारो सेल। देखा, हो गई स्टार्ट। कहाँ जा रही है? कोई हेल्प चाहिए तो हम हाजिर हैं। रास्ता भूल गई हो? दफा हो जाओ यहां से, वरना पुलिस को कॉल कर दूंगी। तौबा तौबा, हम तो मदद करना चाह रहे थे। देखो उनके नखरे। हाँ भाई, शिकार हाथ नहीं आया। अरे मैंने खुद जाने दिया, थोड़ा परेशान होने दो, फिर देखते हैं। एक्सक्यूज मी, बात सुने? बोलें। पास में कोई बस स्टॉप है क्या यहाँ पर? मुझे नहीं मालूम, मैं यहाँ नहीं रहता। शुक्रिया। कोई बात नहीं। किसी से दुश्मनी है आपकी, या किसी पे शक हो कि वो ऐसा कर सकता है? नो, पता नहीं है मुझे। शायद जब मैं एडवोकेट था उस वक्त की कोई दुश्मनी हो, या किसी और दौर की हो। आपने बच्ची के लिए आया भी रखी है घर पे? जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है, कहीं वो तो मुलविस नहीं इसमें? कभी कोई ऐसी बात हुई हो जो मामूल से हट गई हुई हो? जरा सोच के बताइएगा मुझे। मेरा नहीं ख्याल,
घर की तलाशी ले चुका हूँ उसके। देखिए कमाल साहब, अगर उसी ने आपकी बच्ची को अगवा किया है तो जाहिर सी बात है उसे अपने घर तो नहीं छुपाएगी। बहरहाल मेरे ख्याल में इस केस में उसका बयान हल्फी लेना भी जरूरी है। कहाँ हो तुम लिटिल प्रिंसेस? उसके फादर को फोन करती हूँ। हेलो, मैं लैला बोल रही हूँ। दरअसल उसके लिए परेशान हूँ थोड़ी, उसकी कोई खबर मिले तो इन्फॉर्म कीजिएगा मुझे। या अल्लाह वो खैरियत से हो बिल्कुल। आमदीद जावेदा मैम। बहुत शुक्रिया निगार। बुटीक से मेरे कपड़े आ गए क्या? आ गए जावेदा मैम, आपके रूम में रख दिए हैं। गुड, अब तुम मेरे लिए ज्यादा शुगर और खूब क्रीम वाली कॉफी बनाओ, रिच क्रीमी कॉफी। आए नहीं नहीं, सादा ही बनाओ, कल जो ड्रेस पहनना है कहीं टाइट ना हो जाए। जी। शुक्र है। हिकमत साहब, आखिर मैं जीत गई ना। मैंने जो सोचा था वो कर दिया। आप चीखे और चिल्लाए मगर मैंने आपकी एक भी ना सुनी। देखें, उस मेट की औलाद को आखिर मेरे कदमों पर झुककर सॉरी करना ही पड़ा। और यही नहीं, मजे की बात यह कि दोनों ही जानते हैं कि वो बात झूठ थी। जावेदा मैम, रियान, अब क्या हुआ? क्या आपके साथ नहीं गई थी? नहीं, अभी तक वापस नहीं आई। तो फोन करो। फोन किया था लेकिन वो भी नहीं उठा रही। तो मुझे क्यों बता रही हो? मैं रियान की बॉडीगार्ड हूं क्या? आ जाएगी, गई होगी किसी फ्रेंड व्रेंड से मिलने। अल्लाह अल्लाह, आमिर के साथ तो नहीं है, तो कहाँ है फिर? दफा करो, मुझे क्या, नहीं आती तो ना है। पता चल गई होगी उसे अपनी औकात, गांव लौट गई होगी अगर जरा भी शर्म गैरत है उसमें। कॉफी जावेदा मैम? हाँ, रख दो टेबल पर यहाँ। निगार, मेरा सैटन का ड्रेस ड्राइक्लीन को भिजवा दो, उसमें स्लिम लगती हूँ मैं। हो सकता है कि कल की पार्टी में मैं वही पहनूँ, उस पर बहुत फोकस है मेरा, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट पार्टी है। आप बेफिक्र हो जाएं जावेदा मैम।
तुम ठीक तो हो बेटा? बहुत दूर से चलती हुई आई हूँ, इसलिए थक गई हूँ। बेटा मैं भी बहुत थक गई हूँ, थोड़ा सांस लेने के लिए बैठ जाती हूँ यहाँ, इस जगह काफी सुकून होता है। भाई यकीन है इसके पास मोबाइल नहीं है, वरना किसी को कॉल कर चुकी होती अब तक। आज तो बिल्कुल आसान शिकार हाथ लगा है वाकई। ऐसा करते हैं, सामने से गुजरते हैं ताकि वो समझे हम चले गए। सही कह रहे हो, ऐसा ही करते हैं। रहती हूँ इस इलाके में पहली बार देखा है तुम्हें। ताजा हवा के लिए थोड़ा वॉक पर निकली थी, वैसे यहाँ से काफी दूर रहती हूँ मैं। हेलो। जी बोलें भाई। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, घर पर हूँ। अच्छा ठीक है। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हाल अहवाल के लिए फोन किया था। सब ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, एज यूजुअल वही बोरिंग लाइफ है। मैंने पहले भी कहा था मिलना चाहता हूँ मैं, अगर तुम अपना कैमरा ऑन नहीं करना चाहती तो एटलीस्ट पिक्चर्स ही भेज दो मुझे। पॉसिबल नहीं, मेरा ख्याल है कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना रही हो। अगर पिक्चर नहीं भेजनी तो नो प्रॉब्लम, आइंदा चैटिंग नहीं होगी। मेलिक, ऐसी शक्ल क्यों बनी हुई है? रियान फोन नहीं उठा रही थी ना, तो मैं उसके रूम में गई थी। और मोबाइल तो यहीं भूल गई है वो, कहीं कोई मसला ना हो क्या हो, रास्ते पे नहीं मालूम उसे। कुछ नहीं होगा मेलिक, और तुम्हारा क्या मसला है? रियान क्या करती है और क्या नहीं करती है, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और टॉपिक नहीं है क्या? लेकिन परेशानी की बात तो है ना। तुम सोना को भी देख लिया करो कभी। सोना को सुबह मैं ले गई थी बाहर वॉक के लिए। कुछ दिनों से सोना अजीब सा बिहेव कर रही है, नोट किया तुमने? अजीब मतलब? मुझे नहीं मालूम, तुम खुद पता लगाओ जरा। तुमने कोई जवाब नहीं दिया, मींस के तुम चैट जारी नहीं रखना चाहती। मैं जा रहा हूँ, गुड बाय। ऐसा ना करो यार, चैट खत्म मत करो। रुक जाओ एक मिनट, पिक्चर भेज रही हूँ मैं। तुम तो मेरी तवक्को से ज़्यादा खूबसूरत हो, बहुत शुक्रिया।
आ जाओ। क्या कर रही थी सोना? कुछ नहीं, बैठी हुई थी बस। तुम्हारे बाबा तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। विशाल, 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 आपके पास ही लेकर आ रही थी इसे। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मिशाल, ये मेरे घर में आ गई थी, आपके पास ही ला रही थी इसे। क्या मतलब आप समझ रहे हैं कि? हेलो, मैं लैला बोल रही हूँ। दरअसल उसके लिए परेशान हूँ थोड़ी। उसकी कोई खबर मिले तो इन्फॉर्म कीजिएगा मुझे। हाँ तो ये मैसेज जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो मुझे नहीं पता था ये मेरे ही घर में छुपी हुई है। मैं क्यों झूठ बोलूंगी आपसे कमाल साहब? झूठ बोलने की बीमारी है तुम्हें, झूठ बोले बिना तुम रह नहीं सकती। अब आप हद से गुजर रहे हैं, समझ आए आप? ये क्या कर रहे हैं? पुलिस के पास क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मुझे। बहुत बड़ी गलती की तुम पर भरोसा करके। देखिए आपकी बेटी मिल चुकी है ना, उसे लेके जाइए घर पे। छोड़े छोड़े, क्या कर रहे हैं आप? हाथ छोड़े मेरा कमाल साहब, हाथ छोड़े मेरा। मैं अजीब अजीब लोगों से मिली हूँ लेकिन तुम तो म्यूजियम में रखने के लायक हो बिल्कुल। हाथ छोड़े मेरा, छोड़े मुझे। साहब, मीटिंग हाफ एन आवर आगे हो गई है। सप्लायर की फाइनेंशियल रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई थी। एक काम करो, तुम खुद उन्हें कॉल करके मीटिंग कैंसिल कर दो। लगता है उन्हें एहसास नहीं कि वो किसके साथ बिजनेस कर रहे हैं। थोड़ा झटका देना होगा। जैसे आप कहें। हाँ योंजा जी सर, और कुछ तो स्केड्यूल नहीं है आज का? नहीं तो आज आपकी एक ही मीटिंग थी। तो ठीक है, मैं निकल रहा हूँ फिर। ओके। अकेली रहती हूँ मैं। मेरा बेटा और पोते पोतियाँ हफ्ते में एक बार मिलने आते हैं मुझसे। बाजार से उनकी पसंद की चीजें लेके आई हूँ। हाँ, कहाँ पे हो तुम? बासुनो, एक शिकार नजरों के सामने है। बहुत खूबसूरत लड़की है, पार्क में बैठी है। अगर तुम साथ दो हमारा तो उठा लें उसे। हाँ ठीक है, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ अभी तुम्हें। ट्रॉली जरा भारी है, थक गई इसलिए यहाँ बैठ गई। किसी बड़े घराने की लगती हो। ऐसा ही है। असल में मुझे घर फोन करके इत्तला देनी थी। अच्छा, मगर मैं अपना फोन घर पर ही भूल आई हूँ। तो कोई बात नहीं बेटे, मेरे पास है ना फोन। अरे कहाँ गया, मिल नहीं रहा। ये रहा, लो बेटा। बहुत शुक्रिया। सुनो सैफर, ये ड्राई क्लीनर को दे आओ। हाय जफर, कितनी प्यारी ज्वेलरी है, देखो है ना। हाँ, मगर इसका करना क्या है?
ये पॉलिश के लिए जाएगा ज्वेलर के पास। रखो इसे वापस रखो, किसी ने देख लिया तो खामखा की मुसीबत में फंस जाएंगे। अच्छा ना, जावेदा मैम खास तैयारी कर रही हैं इस दफा, वजह तो नहीं पता मगर वो खुश नजर आ रही हैं। हाँ हाँ, तो अल्लाह खुशी रखे हमेशा, मगर आज रियान मैम नहीं दिखी मुझे। वो मैम कहाँ से हो गई? तो फिर उसे आइंदा से मैम मत कहना बस। ऐसा क्यों? जावेदा मैम को बिल्कुल पसंद नहीं मैम कहना उसको, बल्कि मैम तो छोड़ो इंसान भी नहीं समझती वो तो उसे। बहू है इस घर की, क्यों नहीं समझेंगे उन्हें इंसान। भाई शुरू शुरू में होती है सास बहू में खटपट, मगर देखना सब ठीक हो जाएगा। रियान मैम का शहजादा आएगा, बस उसके आने की देर है। छोटा सा शहजादा, हाँ उसे यहाँ कोई टिकने देगा तब ना। पागल हो गई हो, मसला क्या है तुम्हारा? मुझे क्यों मसला होने लगा? रियान को धक्का किसने दिया था? क्या मतलब धक्का दिया था? रियान खुद थोड़ी गिरी थी, हादसा वादसा नहीं था, जावेदा मैम का काम था वो। सुना कि रियान ने हिकमत साहब से शिकायत की और जावेदा मैम पर झूठे इल्जाम लगाए। कोई शिकायत विकायत नहीं की थी रियान ने। अच्छा फिर? मैंने की थी, मैडम बहुत होशियार हैं, रियान को आमिर साहब की नजरों में भी गिरा दिया। तुमने क्या किया? मैंने तो वो किया जो जावेदा मैम ने कहा मुझे। ऐसा नहीं हो सकता। सुनो जफर, किसी को बताना मत, ये एक राज की बात है। सुन लिया ना तुमने? मैं फोन सुनने जा रही हूँ, तुम वो काम करो जो बताए हैं। हेलो। हेलो, निगार रियान बात कर रही हूँ। जी बोलिए। क्या तुम मुझे घर का एड्रेस बता सकती हो? कौन है? रियान। तो घर का एड्रेस चाहिए आपको? किस लिए? कोई ऑर्डर वगैरह मंगवाना है क्या? बंद करो फोन निकार। हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो, मैं अपना फोन घर पर भूल आई हूँ। हेलो, किससे बात कर रही होगी भाई? मुझे क्या मालूम, बस अब काम दिखा देना चाहिए। फिर फोन कर रही है वो, अब क्या करूं? सुनो, फोन बंद करो, जाओ अब अपना काम करो। किसका फोन था निकार? रियान का तो नहीं था? नहीं तो कोई रॉन्ग नंबर था शायद, कोई भी तो नहीं बोला उधर से। क्या हुआ? टेलीफोन में मसला है शायद, कुछ आवाज साफ नहीं आ रही थी। यहाँ करीब में इस इलाके में कोई बस स्टॉप या टैक्सी स्टैंड है क्या खाला? नहीं बेटे। कोई पुलिस स्टेशन? वो भी नहीं है। देखता हूँ भागकर जाओगी कहाँ। मैंने अफवाह नहीं किया, उसे बताया है मैंने, आखिर क्यों नहीं समझ आ रही? आमिर कैसे हो बेटा? ठीक हूँ माम। आज तुम जल्दी आ गए। मीटिंग कैंसिल हो गई तो बस जल्दी आ गया। हाँ अच्छा किया। तुम्हें ड्रेस दिखाती हूँ जो कल पार्टी में पहन रही हूँ। तुम्हारी माँ पार्टी में सबसे मुनफरिद नजर आएगी। जरूर देखूंगा माम, जरा फ्रेश हो जाओ प्लीज। ठीक है बेटा।
आज तुम्हें किसी ने फीड नहीं किया क्या? वो ऐसा कभी करती तो नहीं है। ये पहन लो, बाहर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? जितना खाए कर लो। रुको, छोड़ दे मुझे, हर किस हाथ नहीं लगाइएगा। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? जा रही। कहाँ जा रही हो? अपने घर। पूछ सकता हूँ कि किस तरह जाओगी तुम अपने घर? ये आपका मसला नहीं है। चलो गाड़ी में बैठो। मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ, खुद चली जाऊंगी। कहाँ रह गई हो आखिर? अफरा तफरी में तो खुद ही लेकर निकला था मैं। चले इनसे पूछते हैं, इन्हें जरूर पता होगा पुलिस स्टेशन या बस स्टॉप का। मॉम बस फ्री होने वाली हैं जैमरे मैम, आप कॉफी पीना पसंद करेंगी? थैंक्स डियर, दूसरी कॉफी अम्मी के साथ पीऊंगी। वो तो यही समझ रही हैं कि आप इंग्लैंड में हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ा सरप्राइज होगा ये। ऑफ कोर्स। हाँ ये तो बताओ, कल की पार्टी के लिए गेस्ट लिस्ट रेडी हो गई? जी रेडी है मैम। एक काम करो कि तुम जावेदा तुरहन का नाम ऐड कर दो इस लिस्ट में। मगर सुहेला मैम ने लिस्ट देते हुए कहा मैं बता दूंगी उन्हें, तुम फिक्र ना करो इस बात की। ठीक है मैम, मैं कर देती हूँ। अरे जेमरे। अम्मी, अम्मी जान। हद हो गई जेमरे, वापस आने से पहले इतला तो करती कम से कम। सरप्राइज देना चाह रही थी अम्मी आपको, ये अचानक खुशी ज्यादा अच्छी नहीं लग रही। हाँ ये तो है, वाकई बहुत खुश हो रही हूँ मैं, मगर हैरान भी हूँ, मुझे लगा तुम वहाँ और रुकोगी। घूमी फिरी, फिर ढेर सारी शॉपिंग की, फिर खूब फ्रेंड से मिली, मगर कितना एंजॉय करती आखिर, बोर हो गई थी। यहाँ से दूर रहना बहुत अच्छा रहा, फ्रेश हो गई। आप बेफिक्र हो जाएं अम्मी, मैं रिलैक्स हूँ, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, और इसीलिए तो वापस भी आ गई, और अब मैं आपके साथ यहाँ रहूंगी और हम दोनों अब बहुत खुश खुश रहेंगे। हाँ सही, मेरी बेटी इतनी जल्दी इतनी बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला मुझे तो। जी बिल्कुल, मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरी फिक्र मत करें। अच्छा शॉपिंग दिखाओ, बहुत सारी चीजें ली हैं मैंने आपके लिए, बहुत शानदार गिफ्ट्स हैं। शुक्र है तुम आ गया मेरे बेटा। रियान अपना फोन और पर्स घर में ही भूल गई थी, रापता भी नहीं हो पा रहा था, टाइम ज्यादा हो गया तो परेशानी हो रही थी बहुत। वो मेरे साथ नहीं थी मलिक आपा। ओह अच्छा, लेकिन उसे तो रास्ता और एड्रेस कुछ भी नहीं मालूम। रिलैक्स हो जाएं, इतना मत घबराएं आप प्लीज। ये भी हो सकता है कि किसी जगह से वो यहाँ फोन कर ले हमें। अभी किसी का फोन तो आया था, मगर स्वीटहार्ट मुझे भी चाय मिलेगी क्या? हाँ क्यों नहीं। ज्यादा गर्म नहीं है? कोई मसला नहीं। फ्रेश कर देगी आपको।
मुझे नहीं पीनी, बहुत शुक्रिया आपका। पी लें सिस्टर, फ्रेश हो जाएंगी आप। चाय पीकर बस हम चल रहे हैं। शुक्रिया भाई, मगर मेरा दिल नहीं है चाय पीने का। केक पीस दूं आपको? नहीं, भूख भी नहीं लगी है मुझे, शुक्रिया। हम यहाँ अक्सर इसी तरह आते हैं, अपना एंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं, पिकनिक मनाते हैं। ताजा हवा में बैठकर खाने का अपना ही मजा है। शक तो नहीं हो गया उसे? लगता तो नहीं, शक हुआ होता तो अब तक वो जा चुकी होती। ये वो नंबर जिससे फोन आया था? जी जी आमिर साहब, मैंने हेलो भी कहा था लेकिन कोई बोला ही नहीं दूसरी तरफ से। चलो कॉल कर लेते हैं। हेलो, गुड इवनिंग, माजरत आपको जहमत दे रहा हूँ, मैं आमिर तारून हूँ। दरअसल हमें इस नंबर से फोन आया था, क्या मैं जान सकता हूँ किसने फोन किया था? मैंने तो कोई फोन नहीं किया बेटा, कोई गलत फहमी हो गई है तुम्हें। ठीक है, तकलीफ के लिए माजरत, खुदा हाफिज। हेलो 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 जी बोले। हाँ मुझे याद आ गया बेटा, मैं पार्क में बैठी हुई थी तो एक प्यारी सी बच्ची ने फोन लिया था, उसी ने कॉल की होगी। ठीक है आंटी, क्या आप प्लीज मुझे बताएंगे कि ये पार्क किस जगह पर है? ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, खुदा हाफिज। आमिर कहीं जा रहे हो बेटा? आज तुम ऑफिस से जल्दी आ गए, खैर तो है। प्लीज बाद में बात करूंगा। ओके ये लो हनी, अल्लाह खुश रखे। आपका शुक्रिया। जग में अभी भी चाय मौजूद है, जाया होगी, आप लेंगे चाय? सिस्टर से पूछ लो, मैं बेटे को बुलाता हूँ, जब तक एक और कप पी लेंगी। बेटा चलो आ जाओ। शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। चलो लड़की अब पी भी लो। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, अब चलना चाहिए हमें, बहुत देर हो चुकी है। बिल्कुल सिस्टर, चलते हैं। आओ बेटा चल रहे हैं, सिस्टर को देर हो रही है, सिस्टर को घर पहुंचाना है। मेरा बच्चा खेलते वक्त किसी की बात नहीं सुनता। खुद से नहीं आएगा, मैं पकड़ के लाता हूं उसे। आ जाओ बेटा, बहुत खेल लिया, अब घर चलते हैं। बस फौरन चलो। क्या हुआ, ठीक तो हो तुम? ठीक हूँ, शायद अचानक उठने की वजह से चक्कर आ गया है मुझे, चलना चाहिए। चलो भाई चलो।
अंदाजा है तुमने क्या किया है? शेरिया यहाँ परेशानी से खौफ से मरने वाली थी, कम अज कम एक फोन ही कर लेते। कहते कि मिशाल मिल गई है, घंटों से इंतजार कर रही थी, इतने घंटे लौटा सकते हो जिंदगी के? क्यों फोन नहीं किया तुमने? बस दो बोल बोल देते कि लेकर आ रहा हूँ उसे। किसी दिन तुम्हारी वजह से मरी पड़ी होंगी मैं, याद रखना चली जाऊंगी दुनिया से अचानक। फोन न करने की वजह बता चुका हूँ आपको। करना चाहिए था, मेरी जान तो यहाँ सूली पेट की हुई थी ना। अच्छा चले ठीक है, आप सही हैं, नहीं कर सका बस। नहीं बेटा तुम ही सही हो। मेरा ख्याल था मुझे इंसानों की पहचान है, बस चेहरा देखकर इंसान की रूह तक उतर जाती है मेरी नजर। वो लैला, तुम्हें यकीन है इसे लैला ने ही अगवा किया था? बताया तो है, उसने वॉइस मैसेज किया कि मिशाल की बहुत फिक्र है, थोड़ी देर के बाद देखा कि इसके साथ घूम रही है। ये कौन आ गया? पुलिस। पुलिस अब क्या करने आई है यहाँ? आप मिशाल को खिलाए, मैं देखता हूँ। बहन तुम्हें, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? आप ठीक हैं सिस्टर? क्या पिलाया है तुम दोनों ने मुझे? काम हो गया, यही हमारा मकसद था, जबरदस्त। गाड़ी में डालो इसे। हाँ। चल लड़की गाड़ी में बैठ जा। चलो जल्दी गाड़ी में बैठाओ। छोड़ो लड़की को। कौन है तू? हाँ? ये उस जगह के आसपास की सीसीटीवी फुटेज है। यह है वो लैला, बच्ची की आया, मगर बच्ची कहाँ है? ये है आपकी बच्ची? जी यही है। कमाल साहब, फुटेज के मुताबिक तो आपकी बच्ची खुद घर से निकली है और खुद आया के पीछे गई है। छोड़ उसे, अगर एक कदम आगे बढ़ाया तो इस लड़की को मार दूंगा। इसे छोड़ दो, रिलैक्स हो जाओ, बात करते हैं। देखो तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे सकता हूँ। सुना नहीं तुमने? तुम इसे छोड़ो पहले, हमें जाने दो वरना ही चाकू चल जाएगा। छोड़ो लड़की को। चक्कर आ रहे हैं मुझे, चाय में यकीनन उन लोगों ने मुझे कुछ मिलाकर पिलाया होगा। तुम गाड़ी में बैठो, मैं इन्हें भागने नहीं दूंगा।
उन्हें छोड़े मुझे घर लेकर चले प्लीज। बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। लैला यनार का कोई लेना देना नहीं इस वाक्य से। मैं अरेस्ट वारंट कैंसिल कर देता हूँ अगर कोई और कंप्लेन नहीं आपकी। नहीं कोई कंप्लेन नहीं। ठीक है मैं चलता हूँ कमाल साहब। मैं आपको बाहर तक छुड़ाता हूँ। नहीं जहमत ना करें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बंद है कहीं रुपोश होगी जाहिर है। पुलिस यहां पर नहीं पहुंच सकेगी। हमारे अलावा और किसको पता है ये जगह? नहीं किसी को नहीं। किसी और की नौकरी रजिस्टर्ड है। यहां तुम्हें कोई नहीं ढूंढ सकता। एक कैदखाने से बचने के लिए दूसरे कैदखाने में आ गई हूं मैं। तुम खुद फंसी हो इस चक्कर में। अरे मैंने क्या किया है? विशाल मेरे पीछे आ गई। मुझे क्या पता था बाबा? शिकार मेरे पंजों में आकर निकल गया। लड़ क्यों रहे? बगैर किसी जुर्म के नहीं जाना मुझे जेल, समझे तुम? जो होना तो हो गया, लड़ो मत। बाप तुम्हारे साथ है। दिलास की बेटी को जेल में डालना इतना आसान नहीं है। यार बाबा मुझे समझ में नहीं आता, मुझसे मोहब्बत करते हैं या चिढ़ते हैं? जाहिर है मोहब्बत करता हूँ तुमसे। कुछ दिन सब्र करो, देखते हैं क्या होता है। फिर मैं एक जाली आईडी बनवा दूंगा तुम्हारी। कुछ अरसे के लिए गायब हो जाना। शायद वो बच्ची बोल पड़े, जैसे कि बताया था कि उस बच्ची ने एक अल्फाज बोला था। मुश्किल है, बोलना होता तो अपने बाबा से बोल चुकी होती वो। बहुत थक गई हूँ मैं। मुंह हाथ धोना है, बाथरूम किधर है? उधर है, सीधे हाथ पर चले जाओ। जाओ बहुत बुरा हुआ लैला फिर वहां ना जा सकी तो मेरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। वो तो शायद कभी ना जा सके। बकवास मत करो, और परेशान कर रहा है मुझे। मैंने ऐसा क्या कह दिया? बस करो, चाय लेके आओ जल्दी।